इन दिनों बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालिया मामला जहरीली शराब से मौतों को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा खूब हो रही है। नीतीश कुमार के सहयोगी बीजेपी ने भी समीक्षा करने की बात कही है। अब कल जो है नीतीश कुमार अपने तमाम अधिकारियों और बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे कि कहाँ चूक रह गई है। इसको लेकर नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुने। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं। पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं, पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है, कहाँ कहाँ पर कमियाँ रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं। और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है कहाँ लूप होता है, पुलिस की कमी है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, विपक्षी लोग हैं, ये भी देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी अभी ये समाज की विषय है और समाज के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन है उसको कड़ाई से निपटना है। उसमें जहाँ जहाँ पर कुछ कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक होती है और ये एक अच्छी परंपरा ना है। हम अपने कामों की समीक्षा करते हैं, समीक्षा के उपरांत में जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करने का काम करते हैं। हम वो लोग नहीं हैं केवल एक बयानवीर बनते रहे, हम अपने कामों को ही समीक्षा करते हैं और यही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार की कार्यशैली रही है। आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री बीजेपी कोटे से हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग हर मसले पर समीक्षा करते रहते हैं। और बात रही शराबबंदी को लेकर, तो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो हम लोग एक्टिव हैं और बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं अधिकारी हैं उनके साथ कल नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल उठाया था कि बिहार पुलिस जो है शराब बिकवा रही है और ऐसे में उन्होंने कहा था कि समीक्षा करने की ज़रूरत है। हालांकि आपने सुना कि तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि वो प्रवास पे आते हैं और पटना आते ही वो अपनी बयानबाजी करने लगते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि तेजस्वी जो है वो पटना में है, वो अपने बयानों के माध्यम से सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं बीजेपी कोटे से नितिन नवीन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग समीक्षा करते रहते हैं और कल भी समीक्षा बैठक है, एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक है जिसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, सभी लोग मौजूद रहेंगे। फिलहाल के हेडलाइंस बिहार के साथ, नमस्कार।